अभी भी आप डिजिटल स्क्रीन पे हैं और मैं भी डिजिटल स्क्रीन पे हूँ, चाहे वो आप लैपटॉप पे हैं, आप कंप्यूटर पे हैं, आप मोबाइल पे हैं, आप टैबलेट पे हैं, आईपैड पे हैं, जिस चीज पे भी हैं, आपके सामने एक डिजिटल स्क्रीन है और उस स्क्रीन को आप देख रहे हैं, मैं भी उस स्क्रीन को देख रहा हूँ और हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो ये जो स्क्रीन पे देखने वाली बात है, इसको हम कहेंगे कि डिजिटल स्क्रीन से घिरी हुई दुनिया, डिजिटल स्क्रीन से घिरी हुई जिंदगी, क्योंकि पूरी जिंदगी अब डिजिटल स्क्रीन से ही घिर गई है। आप जो कुछ भी कर लें, सब कुछ डिजिटल है, स्क्रीन ही है सबके सामने, कुछ भी करें स्क्रीन है, कंप्यूटर, टेलीविजन, कोई कोई यंत्र आप चला रहे हैं, कोई गैजेट आप ऑपरेट कर रहे हैं, हर जगह पे स्क्रीन 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 है। उस वक्त में आई केयर का क्या है, आंख का ख्याल कैसे रखना है, उसको केयर कैसे करना है, उस टॉपिक पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। और अब जो है हम इस पे शुरू होते हैं। सबसे पहला चीज है कि आई केयर को स्पेशली आज के डिजिटल एज में किस तरीके से करें के लिए ये जानना पड़ेगा कि डिजिटल एज में क्या चीजें हैं। 10 साल पहले, 20 साल पहले और 25 साल पहले, तीन फेज यदि ले लें आप, तो आई केयर का मतलब कुछ और था, अभी कुछ और है। वो वाली आई केयर अभी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये वाली जो आई केयर है वो तभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। उस समय इस तरीके के आई केयर की जरूरत नहीं थी, बिकॉज तभी कोई डिजिटल गैजेट पे नहीं देखता था, वो उस तरीके से स्क्रीन पे नहीं लेता रहता था। तो इसलिए डिजिटल एज के टाइम में जब आप लगातार स्टेयरिंग कर रहे हैं, मतलब घूर रहे हैं, निहार रहे हैं अपने उस डिजिटल डिवाइस को, मैक्सिमम टाइम जितने देर आप हैं उतने देर ऑलमोस्ट निहार रहे हैं, उसका यदि बात करें तो वो है। अब एक तथ्य के बारे में पुट करना चाहता हूं कि जैसे कैसा है कि मानव शरीर और उसका हर एक अंग, हर एक ऑर्गन अपने आप में एक विलक्षण है, क्योंकि ये जो शरीर है ये एक ऐसी मशीन है जो कि कहीं कहीं दूसरी बनाई नहीं जा सकती। दिस इज अ स्पेक्टेकुलर मशीन। तो ये जो मशीन है, इस मशीन में आंख भी एक चीज है, और वो आंख जो है वो बड़ा बड़ा अजूबा है, जिसको अभी तक स्टडी करने से भी आप जो है वहीं पे समझ रहे हैं। तो आप समझें कि एक तथ्य देखें आप, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप जानते हैं कि आपकी हर एक आंख, दो आंख है, हर एक आंख कंटेन्स 1.7 मिलियन सेल्स, 107 मिलियन सेल, इसका मतलब कितना हुआ, 1,070 लाख कोशिकाएं एक आंख में है। आपकी एक आंख में 1,070 लाख कोशिकाएं हैं, दूसरे आंख में भी फिर 1,070 लाख कोशिकाएं हैं, और ये जितनी भी कोशिकाएं हैं 1,070 लाख एक आंख में, वो सब के सब लाइट सेंसिटिव हैं, सुपर सेंसिटिव टू लाइट हैं, मतलब लाइट पे वो पसरती हैं, सिकुड़ती हैं, पसरती हैं, सिकुड़ती हैं, और लाइट के ही बेसिस पे उनकी सारी चीजें चलती हैं। कोई भी ऐसा कैमरा नहीं बना, ऐसा कोई भी चीज नहीं बना जो इसकी तरह कॉपी हो गया। कैमरा भी आजकल लाइट को एडॉप्ट करता है, आपकी बढ़िया स्मार्टफोन होगी या महंगा कैमरा होगा तो वो लाइट के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है और उसके हिसाब से फोटो निकालता है, लेकिन नथिंग लाइक योर आईज, बिकॉज इसमें 1,070 मिलियन जो है, 1,070 लाख जो है आपकी कोशिकाएं हैं जो लाइट सेंसिटिव है। तो ये एक तथ्य हमने समझा। अब इस तथ्य को इतना हाईलाइट करके मैंने इसलिए बताया कि अब आप समझ पाएंगे कि डिजिटल स्ट्रेन क्या है और डिजिटल इस युग में आई केयर का मतलब क्या है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े। अब इस तस्वीर को आप देखिए, मैं जानबूझ के ये तस्वीर आपके सामने रखा हूं कि आप इससे रिलेट कर पाए, कितने लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं, टाइप कीजिए यस इन द चैट बॉक्स यदि आप भी ऐसे करते हैं या आपके घर में कोई ऐसा करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अंधेरे कमरे में व्यक्ति जो है फोन को ऐसे देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है, व्हाट्सएप देख रहा है, मैसेज देख रहा है, वीडियो देख रहा है, एंटरटेनमेंट कर रहा है, न्यूज देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, पढ़ रहा है, मैसेज ही पढ़ रहा है, लेकिन ये ऐसा कर रहा है। इसको कहेंगे कि ये ब्लू रे, थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स, ब्लू रे फ्रॉम डिजिटल स्क्रीन ये निकल रहा है। आपका जो भी डिजिटल स्क्रीन है, वो टैबलेट हो सकता है, आईपैड हो सकता है, कंप्यूटर का पोर्टेबल स्क्रीन हो सकता है, या आपका मोबाइल हो सकता है, तो ये ब्लू रे दे रहा है, उसके अंदर ब्लू रे है, वो दे रहा है।
all the time in front of your computer, tablet device, phone screen, television पे भी बात करें तो television भी वैसे ही आप देख रहे हैं, क्या करता है ये blue ray छोड़ता है। Blue ray जो है एक harmful ray है, harmful blue light इसको कहते हैं, जो क्या करता है over period of time जब आप इसको बार बार लगातार देखते रहते हैं तो ये जो है सम रियल डैमेज शुरू करता है आपकी आंखों में। और वो जो है सिर्फ आंखों में डैमेज नहीं करता, आंखों से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को डैमेज करता है और इररिपेरेबल डैमेज करता है। आपके रेटिना को उस लेवल पे डैमेज करता है कि दैट कैनॉट बी रिवर्टेड बैक, उसको रिपेयर करके वापस नहीं लाया जा सकता है, ऐसा डैमेज करता है। और वो डैमेज सिर्फ आंख तक सीमित नहीं रहती, वो सीमित रहती है आपके स्लीपिंग पैटर्न पे भी। आप किस तरीके से सोते हैं, किस तरीके से आप जो है उसके बाद का जो सिम्टम है, बिकॉज ये आंख, आगे मैं बताने वाला हूं। कुछ लोग बोल रहे हैं नो स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर आ रही है सबको? मुझे मिल रहा है। ओके ओके, आप जो नो स्क्रीन शेयर बोल रहे हैं आप रीसेट करके देख लें, स्क्रीन शेयर सबको मिल रहा है? यस। सो स्लीपिंग पैटर्न का आंख से क्या संबंध, ये सब संबंध मैं आगे आपको बताने वाला हूं। और तब मैं ये बताने वाला हूं कि होलिस्टिकली ये कनेक्टेड होके यदि आप इसका ध्यान रखें अपने आंख का, तो होलिस्टिकली क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और यदि आप इसका ध्यान ना रखें तो इससे कनेक्टेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक और बात मैं कहना चाहूंगा ब्लू रे में, कि ब्लू लाइट एक्सपोजर कैन कॉज योर डिजिटल आई स्ट्रेन, जिसको कहते हैं तनाव आता है, स्ट्रेन होता है, उसको कहते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन। आज की डेट में सबसे बड़ा टॉपिक बना हुआ है। आप यदि न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, न्यूज चैनल पे देखते हो, रिसर्च सुनते हो, डॉक्टर्स की बातें सुनते हो, तो डिजिटल आई स्ट्रेन और आई फटीग भी बहुत लोग चर्चा करते हैं। तो डिजिटल आई स्ट्रेन और आई फटीग, ये जो दो चीजें हैं ये आज बहुत ज्यादा कॉमन है। और ये जो है क्या क्या कर सकती है, आपकी विजन को ब्लरी कर सकती है, धुंधला हो सकता है। आप ड्राइव करेंगे तो आगे का चीज दो दो दिखेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो ड्राइव करते हैं और आपको आगे का जो गाड़ी का नंबर प्लेट आपके आगे जाते रहती है वो डेढ़ दिखता है या दो दिखता है? ये सब ब्लरी विजन का कमाल है, क्योंकि आप ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं, ज्यादा स्क्रीन पे ध्यान रख रहे हैं, तो ये ब्लरी विजन इसको कहते हैं। डिफिकल्टी फोकसिंग हो जाएगा आपका, आप फोकस नहीं कर पाएंगे ठीक से। बहुत लोग कह रहे हैं कि पिक्चर नहीं दिख रही है, साला रीसेट आउट, मैंने स्टॉप किया है स्क्रीन और मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं। दिख रहा है पिक्चर अभी सबको? कंफर्म करें चैट में या स्क्रीन दिख रहा है सर? ओके, नहीं मल्टीपल लोग कंप्लेन कर रहे थे इसलिए मैंने रीसेट किया फिर से। जूम का प्रॉब्लम है, बहुत सारे सेशन में नहीं दिखता है और बहुतों का एक दो दिन से आ रहा है। तो आप अपना कंटिन्यू करें, यूट्यूब पे लाइव है, जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है यूट्यूब पे देख सकता है। दैट इज शेयरिंग परफेक्टली। ओके, सो अभी बात करते हैं हमारे ब्लू लाइट के बारे में। मैं बता रहा था कि ये जो ब्लू लाइट एक्सपोजर है ये आपको आई फटीक देगा या डिजिटल आई स्ट्रेन देगा, दोनों ही आपके फोकस में डिफिकल्टी लाएंगे। ब्लरी विजन तो एक बात हुई, आपके फोकस में डिफिकल्टी आएगी, आपकी आईज में इरिटेशन होगा, इरिटेटेड आई होगी, हेडेक होगा, फटीग होगा, और फटीग कहां तक जाएगा तो आपके नेक में, बैक में पेन होगा। अब कितने लोग इससे रिलेट कर रहे हैं, कितने लोगों का सर भारी हो जाता है, कितने लोगों को हेडेक होता है जो पहले नहीं होता था, कितने लोगों को कंधे में और बैक में पेन होता है। अब इस आंख का कंधे के और बैक से पेन से कैसा सीधा कनेक्शन है ये मैं बताने वाला हूं, और इसका कैसे सीधा कनेक्शन आपके इससे है ये भी बताने वाला हूं। तो पहले ये समझते हैं कि डिजिटल आई स्ट्रेन को समझ लेते हैं। डिजिटल आई स्ट्रेन जो है वो क्या बला है, ये ब्लू लाइट क्या बला है, ये ब्लू लाइट और इसका इफेक्ट की यदि बात करेंगे तो ये आपको हेडेक देगा, और हेडेक ही नहीं देगा, ये आपको माइग्रेन तक देगा। और यदि माइग्रेन है किसी को तो वो माइग्रेन ट्रिगर होगा बार बार। तो हेडेक और माइग्रेन की बात हो गई, आई फटीक की बात हो गई, और ये जो है डिस्ट्रप्शन ऑफ स्लीप करेगा, बिकॉज उसका सीधा कनेक्शन आपके स्लीप से है, उसका सीधा कनेक्शन, यूट्यूब लिंक लोग मांग रहे हैं, इसका सीधा कनेक्शन आपके डिस्ट्रप्शन ऑफ स्लीप से है, आप यदि डिजिटल आई पे हैं तो। और
डैमेज टू योर रेटिना की बात की रहे, जिसको कि मैंने कहा कि वो इररिपेरेबल डैमेज है, कि रेटिना इतना डैमेज होगा कि वो रिपेयर नहीं हो सकता, उस तरीके की बात कर रहे हैं, राइट? अब आगे बढ़ते हैं. इफ समवन कैन पेस्ट द यूट्यूब लिंक हियर इन द चैट बॉक्स प्लीज. अब जो है थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस ब्लू रे को और समझते हैं, ब्लू लाइट को. ब्लू लाइट जो है वो इस तरीके का है कि आपके रेटिना से, आपके मस्तिष्क से, आपके फोकस से, आपके यू नो उन चक्षुओं से तो कनेक्टेड है ही, ये आपके बाकी चीजों से कनेक्टेड है. और वो बाकी चीजें क्या क्या है, आपका यहाँ पे मैंने अमाशय दिखाया हुआ है, आपका पेट दिखाया हुआ है, आपके पेट से कनेक्टेड है. कैन यू बिलीव दैट एसिडिटी इज कनेक्टेड विद दैट? कैन यू बिलीव दैट डाइजेशन इज कनेक्टेड विद दैट? ये इस तरीके का बात हो रहा है कि बहुत सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो ब्लू लाइट आपके ब्रेन को और आपके बॉडी को दोनों को अफेक्ट करता है. आपके ब्रेन को भी अफेक्ट करता है और बॉडी को भी अफेक्ट करता है, तभी जाके ये पीठ में दर्द होता है और कंधे में दर्द होता है और गर्दन के पीछे दर्द हो जाता है. तो ये ब्लू लाइट का कमाल है. तो हम बात करके एक जगह पे पहुंचे कि ये कंटिन्यूअस स्टेयरिंग ऑन द स्क्रीन बोलेंगे, घूरना या निहारते रहना ऑन द स्क्रीन बोलेंगे, तो ये डिजिटल डिवाइस के स्क्रीन को यदि आप लगातार निहारते रहते हैं तो वो आपके आई को एक स्ट्रेन देता है. और वो जो स्ट्रेन है, वो आई स्ट्रेन यदि आप समझने की कोशिश करें, तो आई पे एक तरीके का तनाव आता है जो हम आप पहले महसूस नहीं करते, कुछ महीनों तक भी महसूस नहीं करते, बट ये धीरे धीरे तनाव बना रहता है. और ये तनाव फिजियोलॉजिकल कन्वर्जन देता रहता है. फिजियोलॉजिकल कन्वर्जन है हेडेक होना, माइग्रेन होना, स्लीप में दिक्कत करना, यहाँ दर्द होना, वहां दर्द होना, उस तरीके की चीजों में, आपके पाचन संबंधी चीजों में घुसना, उस तरीके की बात धीरे 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 चालू हो जाती है. यहाँ पे कोई बता रहे हैं राजेश जी कि इनको बहुत होता है. एंड आर यू स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन स्क्रीन? ये मेरा सवाल है, क्या आप अपने स्क्रीन पे बहुत ज्यादा वक्त बिता रहे हैं, डिजिटल स्क्रीन पे? और कितना ज्यादा उसको थोड़ा मैं समझाता हूं. डिड यू नो, क्या आप ये बात जानते हैं कि एवरेज पर्सन भारत में एवरेज पर्सन, और ये मैं आंकड़ा 2019 का दे रहा हूं क्योंकि लॉकडाउन और कोविड शुरू होने के बाद से कोई आंकड़े अवेलेबल नहीं है साइंटिफिकली, बट मैं 2019 का आंकड़ा दे रहा हूं जिसको सुन के आप चौंकेंगे कि एवरेज पर्सन भारत में, एक औसत आदमी 11 घंटे रोज डिजिटल स्क्रीन पे बिताता है. एवरेज आदमी, हाँ जो ज्यादा बिताने वाला है वो कितना बिताता है वो बिताता रहे, लेकिन एवरेज आदमी 11 घंटा हर दिन इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या गैजेट के सामने बिताता है. अब आप इस बात को समझिए, क्योंकि गैजेट पे आप सब कुछ कर रहे हैं, उसी डिजिटल स्क्रीन पे, इसी पे पूरी दुनिया है, इसी पे सब कुछ कर रहे हैं. क्या क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इसी पे ला रहे हैं, आपका सारा टूल इसी पे है, प्रोग्रामर, शेड्यूलर, ऑर्गेनाइजर, रिमाइंडर, जो भी आपका है ना, सब कुछ इसी के ऊपर है. आप जो है एजुकेशन इसी पे कर रहे हैं, लर्निंग इसी पे कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट इसी पे कर रहे हैं, सोशल रिलेशनशिप आपका इसी पे चल रहा है, पूरा का पूरा आपका जो सोशल प्रेजेंस है वो इसी पे है, आपका फेसबुक हो, आपका वो हो, आपका वो हो, सब सारा कुछ इसी पे है. इतना ही नहीं, आपका कम्युनिकेशन भी इसी पे है, आप न्यूज भी इसी पे देखते हैं, एंटरटेनमेंट आके इसी पे करते हैं, तो ये सारा का सारा कुछ, आपकी हॉबी इसी पे होती है, आपकी हेल्थ मॉनिटरिंग भी इसी पे होती है. बहुत लोग योगा इसी पे करते हैं, जुम्बा इसी पे करते हैं, वर्कआउट इसी को देख के करते हैं, हॉबी है आपका कोई कुकिंग रेसिपी, गार्डनिंग है ना, कोई ऐसा चीज का ड्रॉइंग, पेंटिंग, तो उसका हॉबी भी इसी पे आप सीख रहे हैं. तो ये एक ऐसा चीज हो गया कि एक ही स्क्रीन है, इसी को निहारते रहना है, बिकॉज इसी पे सब कुछ होता है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू डू ऑन दैट स्क्रीन. और ये सब करने से क्या होता है, तो ये आपको एक तरफ लेके जाता है, ये एक जगह पहुंचाता है. और वो कहां पे पहुंचाता है, तो डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं इसको, डिजिटल आई स्ट्रेन. एक रचनात्मक चित्रण आपके सामने मैंने रखा है, उसको देख के आप समझेंगे कि आई के तरफ किस तरीके का स्ट्रेन है. लिटरली इसी तरीके का स्ट्रेन और इन्फ्लेमेशन आपके आई के अंदर है यदि आप इसको देख रहे हैं तो. औसतन 11 घंटे मैंने बताए, अब आप देखिए लॉकडाउन के बाद वो घंटे कितने बढ़ गए, आपके तो बढ़े, बच्चों के कितने बढ़ गए. बच्चे लोग जितना गेम करते थे, जितना फोन का यूज करते थे, उतना तक करते थे, अब ऑफिशियली उनको आपने 8 घंटे बिठा दिया कि भाई स्क्रीन के साथ बैठना है और इसी पे ऑनलाइन क्लासेज हो रही है. तो डिजिटल आई स्ट्रेन हर लोगों को हुआ, तो डिजिटल आई स्ट्रेन को पहले समझते हैं, फिर बच्चों पे आएंगे. डिजिटल आई स्ट्रेन
एक तरीके से फिजिकल डिस्कम्फर्ट महसूस करना अपने आंख में है जब आप डिजिटल डिवाइस यूज करते हैं। जब आप डिजिटल डिवाइस यूज करें और फिजिकल डिस्कम्फर्ट आंख में महसूस हो रहा है तो वो आई स्ट्रेन है। बहुत समय तक हो सकता है ये महसूस ना हो रहा हो, बहुत समय हो सकता है कि महसूस हो रहा हो और आप उसको नोटिस नहीं कर रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा हो तो इग्नोर हो रहा हो, और कभी कभी ऐसा है कि पता चल रहा है लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, किस लिए है ये भी नहीं जानना चाहते, क्यों हो रहा है वो भी नहीं जानना चाहते। तो ये पॉसिबल है कि आप कोई ई रीडर यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, टैबलेट, कंप्यूटर, टीवी, जो भी यूज करते हैं उसके साथ ये जो है डिजिटल आई स्ट्रेन आ रहा हो या ड्राई आई सिंड्रोम हो रहा हो। ड्राई आई सिंड्रोम बिकॉज आंख में नमी कम हो गई, पलक नहीं झपका, नमी कम हुई, मॉइस्चराइजेशन कम हो गया, तो उसको ड्राई आई सिंड्रोम कहेंगे और वो अपने आप में DES एक प्रॉब्लम है और वो सब प्रॉब्लम्स का जड़ है, वहां से वो प्रॉब्लम शुरू करने जा रहा है। या तो आपने नोटिस किया है इसको, या तो आपने नोटिस करके इग्नोर किया है, या नोटिस ही नहीं किया है, दो बात है, नोटिस किया है, नोटिस करके इग्नोर कर दिया है, या नोटिस ही नहीं किया है। दोनों केस में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 4 घंटे से ज्यादा मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पे बिताते हैं? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, मी टाइप करें यदि आप भी 4 घंटे से ज्यादा बिताते हैं। मैं 11 घंटे पे जा ही नहीं रहा हूं, 4 घंटे पे रहना चाहता हूं। ऑलमोस्ट एवरी वन इज सेइंग मी, आप जो है 4 घंटे से ज्यादा बिता रहे हैं। अब आप तो बिता रहे हैं लेकिन इनका क्या, ये स्क्रीन देखिए, मैंने आपके सामने स्क्रीन रखा, इससे रिलेट करिए, आपके घर के बच्ची और बच्चों की तरह ये स्क्रीन दिख रहा है, ये सिचुएशन है जिसको आफ्टर मार्च 2020 जब हम कोविड और इसकी बात पहली बार सुने तो हम इस मोड में आ गए जैसी तस्वीर मैंने आपके सामने रखी है। अब इस बच्ची का गर्दन का पोजीशन देखिए, इस बच्ची का बैठने का पोजीशन देखिए, और इस बच्ची का कंप्यूटर देखिए, और इस बच्ची का तरीका देखिए। ये बच्ची का तरीका नहीं है, हर एक आदमी का तरीका ऐसा ही है अभी, क्योंकि वो उस पोजीशन में है, किस पोजीशन में वो व्हाट्सएप कर रहा है उसको खुद ही मालूम नहीं है, कितने घंटे तक कर रहा है दिन भर उसको वो भी नहीं मालूम है, वो ऐसा ही चल रहा है। पोस्चर पे बाद में आएंगे, अभी हम आंख की बात कर रहे हैं, आई केयर आज लिया है सब्जेक्ट, आई केयर की बात करिए, आई केयर में ये सिचुएशन है। सब लोग इस बात से रिलेट हो रहे हैं। मार्च 2020 के मार्च से एक साल से ज्यादा हो गया, 14 महीने 15 महीने हो गए, 15 महीने से ये मोड में सब बच्चे हैं, स्टडी ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, और सबसे बड़ी बात है कि उनका स्क्रीन और डिवाइस ज्यादातर स्टॉप गैप अरेंजमेंट में बना है। मैं क्या कहना चाहता हूं आप इस बात को समझिए और इस बात पे गौर फरमाइए कि बच्चों को जो स्क्रीन दिया गया मार्च 2020 के बाद, वो सारे के सारे ज्यादा करके ज्यादातर स्टॉप गैप अरेंजमेंट किए गए, बिकॉज उसके पहले बच्चे के लिए डेडिकेटेड मॉनिटर, कंप्यूटर, टैबलेट नहीं था। आपने एक आपका टैबलेट स्पेयर कर दिया उनके लिए, या घर में जो रखा हुआ था वही स्पेयर कर दिया उसके लिए। और घर में कौन सा रखा हुआ था, तो घर में वो रखा हुआ था जो ज्यादा खराब था, जिसमें कुछ फ्लिकरिंग थी, जिसमें कुछ कीबोर्ड का प्रॉब्लम था, किसमें कुछ प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम वाली चीज घर में थी और वर्क के लिए आपके पास डिफरेंट अच्छी वाली थी। अब आपका वर्क भी डबल स्पीड में चालू है तो आप वर्क वाला तो नहीं दे सकते, तो आपने प्रॉब्लम वाला दे दिया है। और इतना ही नहीं, लॉकडाउन में दुकान ही बंद हो गई, पिछले साल भी 6 महीने दुकान बंद रही, बीच में खुली 2-3 महीने, जब खुली तो दुकान में सामान नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि चाइना से आ नहीं रहा था। और दूसरा क्या प्रॉब्लम था कि एक दो रिक्वायरमेंट नहीं थी, रिक्वायरमेंट सीधे कुछ करोड़ में हो गई थी, हर घर में 4-4, 5-5 कंप्यूटर डिवाइस की जरूरत थी, स्क्रीन की जरूरत थी हर घर में अचानक, जिसका नॉर्मल फोन था टीटी बटन दबाने वाला, उसको भी स्मार्टफोन की जरूरत पड़ गई, क्यों, क्योंकि लॉकडाउन एक नया कल्चर आ गया, हर घर में 5 लोग डिवाइस के यूजर हो गए स्क्रीन के, बच्चे अलग, उसका अलग, उसका अलग, उसका अलग, 5-5 कंप्यूटर, 5-5 स्क्रीन, एक घर को चाहिए, एक घर को चाहिए। कब बात चाहिए, लास्ट ईयर मार्च में। अब इस बात को 15 महीने हो गए, अभी तक उसके लिए अवेलेबिलिटी नहीं हुई, क्योंकि बाजार में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बाजार में इंपोर्ट होके भी नहीं आ रहा है, बन भी नहीं रहा है उतनी क्वांटिटी में। तो क्या हुआ कि वो फ्लिकरिंग वाली चीजें यूज हुई। फ्लिकरिंग का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो स्क्रीन जो है फ्लिकर कर रहा है, वो स्क्रीन उतना बढ़िया नहीं है जितना उस बच्ची को चाहिए, और वो यूज हो रहा है। आप भी, हम भी, सब लोग उस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो मैंने ये कहने की कोशिश की यहाँ पे कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट में आपने वो कंप्यूटर की बात की और वो कंप्यूटर शुरू हुआ, चाहे वो फ्लिकर कर रहा हो, चाहे वो बहुत छोटा हो, किसी बच्चे को फोन ही पकड़ा दिया, इसी पे पढ़ना है अभी तो फोन ही पे पढ़ रहा है, स्मॉल फोन का स्क्रीन हो, या फिर यू नो सारी इश्यूज हो गई उसमें। तो
डू यू अग्री विथ मी, ये जो बातें मैंने कही आप अग्री होते हैं, टाइप करिए येस इन द चैट बॉक्स यदि आप सहमत हैं मेरी बातों से, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुपर, और बच्चों को दिखाता हूं, और बच्चों के बच्चों को दिखाता हूं, बच्चों के बड़े को दिखाता हूं। ये इस स्क्रीन को देखिए, इसमें एक फैमिली का चित्रण करने की कोशिश की है मैंने आपके लिए, जहां पे आप देखें तो बच्चा है, बड़े बच्चे भी हैं, बड़ी बच्ची है, पेरेंट्स भी हैं, हर लोगों के पास लगातार स्क्रीन पे स्टीयरिंग का प्रोसेस चालू है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम सब का, हर एक का एक्चुअली यही हाल है, हर एक व्यक्ति का यही हाल है। जो पेरेंट्स हैं, मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में देखा है, मेरे पेरेंट्स मदर एंड फादर के टीवी का जो ड्यूरेशन है वो 3 times बढ़ गया है। पहले वो टीवी 2 घंटे से ज्यादा नहीं देखते थे, अभी वो टीवी 8 घंटे से कम नहीं देखते, 8 घंटे से कम नहीं देखते, क्योंकि लॉकडाउन है, घर बंद है, कहीं जाते नहीं है, कहीं किसी से मिलते नहीं है, कोई गार्डनिंग नहीं होती। जब कुछ नहीं होती तो क्या होता है, घूम फिर के आप वापस वही ऑन कर देते हो टीवी को। अब निगेटिव देख रहे हो, पॉजिटिव देख रहे हो, वो अलग सब्जेक्ट है। मैं अभी आई स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ, डिजिटल आई सिंड्रोम की, ड्राई आई सिंड्रोम की बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे बच्ची हो, बच्चा हो छोटा सा, या आप हम जैसे लोग हो, हर एक आदमी का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2019 का जो फिगर मैंने दिया कि औसतन भारत का एक आदमी 11 घंटा डिजिटल स्क्रीन पे बिताता है, आपके हिसाब से वो कितना बढ़ गया होगा अभी तक? बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? यस और नो, बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? टाइप करें यस और नो, बढ़ा होगा, सब लोग सहमत हैं, यस। तो यही रीजन है कि आप ये सारा कुछ जो न्यूज़पेपर में लगातार पढ़ते रहते हैं कि आइस ट्रेन ये कर रहा है, आइस ट्रेन वो कर रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये सब इसका परिणाम है। सो मच सो दैट कि ये पूरा न्यूज में छाया हुआ है, इंटरनेशनल न्यूज में छाया हुआ है, और इस पे जो बॉडीज हैं, अथॉरिटीज हैं, जो गवर्नमेंट है या फिर मेडिकल साइंस है, इस पे बहुत तेजी से काम कर रहा है, चिंतित हो रहा है, और इस पे काम जारी है। वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज अ सीनियर सर्जन इन कोलकाता, आई सर्जन, उनका कहना है कि अभी रिसेंट में उनकी कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं लास्ट मंथ में, अप्रैल में, और उसमें ग्लोबल तरीके से ये इस साइज में आ चुका है कि हर घर के बच्चों का ड्राई आई सिंड्रोम है, आंख में तकलीफ है, आंखें लाल हो रही हैं, वो हो रही हैं, ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, ये सब चीजें हो रही हैं। और जो हमारी मित्र हैं, शी इज अ लेडी एंड शी इज अ सीनियर आई सर्जन इन कोलकाता, उनका कहना है कि ये सिर्फ आंख से कनेक्टेड नहीं है, हम लोग आंख तक का इलाज कर सकते हैं, आंख तक की बातें कर सकते हैं, ये सीधे सीधे कनेक्टेड है आपके स्लीप से, ये सीधे सीधे कनेक्टेड है आपके साइकोलॉजी से, इट इज सीधे सीधे कनेक्टेड है आपके मानसिक एकाग्रचित्ता से, कंसंट्रेशन से, फोकस से। कितनी बड़ी बात हो रही है, समझिए आप, आई कितना दूर तक कनेक्टेड है। अब उन लोग कह रहे हैं कि बाकी सब चीजों से तो हमारा संबंध ही नहीं है, हम सिर्फ आंख की बात कर सकते हैं, लेकिन सैडली इसकी कोई दवाई वहां पर हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ज्यादा करके ये नई टाइप की चीज है और आदत की चीज है। आपको पहले ये डिजिटल स्क्रीन छोड़ना पड़ेगा, ब्लू रे से दूर होना पड़ेगा, इससे वो नहीं हो पाएगा कि आप बोलेंगे कि ये हुआ है और मैंने आरएक्स लिख के एक दिया और आपने खाया और ठीक हो गया, इसके लिए चेंज होना पड़ेगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, उन्होंने ऐसा कहा, मैं आपसे पूछता हूं कि इसका क्या सॉल्यूशन है। आज हम लोगों ने प्रॉब्लम लिया है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कस करने के लिए आए हैं, तो लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन इन दिस थिंग। हाउ टू अवॉइड डिजिटल आई स्ट्रेन, डिजिटल आई स्ट्रेन को कैसे अवॉइड करें, कैसे उससे बचें। वाइल वर्किंग ऑन डिजिटल स्क्रीन, यदि आपको स्ट्रेन आ रहा है या साइलेंटली आ रहा है या बता के आ रहा है, तो उससे कैसे बचें। और आज इस सेशन में मैं जो है आपको 9 hacks बताने जा रहा हूं, अमेजिंग हैक्स, जबरदस्त हैक्स बताने जा रहा हूं, ऐसे नायाब तरीके बताने जा रहा हूं, 9 तरीके, ध्यान रखिएगा, 9 नायाब तरीके मैं बताने वाला हूं आपको डिजिटल स्क्रीन और आई स्ट्रेन को कम करने के लिए। और वो सिर्फ वो आई स्ट्रेन कम नहीं करेंगे, बल्कि आपके आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होंगे, आपके आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बेहतर होंगे, ऐसे नुस्खे मैं बताने वाला हूं। सो आर यू रेडी, टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स इफ यू आर रेडी। नौ मैं स्पेशल स्ट्रेटजीज या हैक्स, जो भी आप कह लीजिए उसको, मैं बताने जा रहा हूं, नायाब तरीके। Superb, everyone is ready, great, I am also ready.
एंड सुपर एक्साइटेड विथ यू. तो लेट अस गेट स्टार्टेड विथ दिस. सबसे पहला तरीका, ध्यान से एक एक तरीके को समझिए, मैं ऐसे 9 तरीके बताने वाला हूं. सबसे पहला तरीका इज प्रॉपर लाइटिंग. लाइटिंग को प्रॉपर कीजिए, प्रॉपर लाइटिंग कीजिए जब आप डिवाइस यूज कर रहे हैं. तो जब भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, जब आप कंप्यूटर स्क्रीन यूज कर रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन यूज कर रहे हैं, टैबलेट, आईपैड, ईबुक रीडर, कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो लाइट का ख्याल रखिए. लाइट का कैसे ख्याल रखिए, मैंने यहाँ पे कुछ तस्वीर दिखाई है, इन चारों तस्वीर को नजर डालिए. लाइट का ख्याल रखिए, प्रॉपर लाइटिंग कीजिए का मतलब क्या, मतलब कि ब्राइट फ्लोरोसेंट लाइट में काम करना अवॉइड कीजिए. ब्राइट फ्लोरोसेंट लाइट नहीं होनी चाहिए, आपके आंखों पे कोई लाइट नहीं आनी चाहिए. द बेस्ट लाइटिंग टुडे इज, आप किसी 5-स्टार होटल में जाएं या कहीं किसी के लॉबी में जाएं, तो आपकी आंखों पे कोई लाइट नहीं आएगा, फिर भी बहुत अच्छा लाइट वहां होगा. मतलब लाइट इनडायरेक्ट तरीके से आए, कहीं नीचे से आए, कहीं साइड से आए, कहीं वहीं से आए, आपके आंखों पे सीधा ना आए. डिजिटल स्क्रीन देखते समय इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपके आंखों पे लाइट ना आए और उस पे ना आए. इंस्टीड आप जो है क्या करें, फ्लोर लाइट यूज करें या टेबल लैंप यूज करें, जो मैंने वहां पे दिखाया है. अब पहला वाला बच्चा है वहां पे क्या हो रहा है, स्क्रीन पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्या हो रहा है, उसकी लाइटिंग रॉन्ग है, वो लाइट उसके सीधे चेहरे पे दे रहा है. दूसरा वाला में आप देखिए तो सही है, क्योंकि लाइट ऊपर से आ रही है और बच्चे के स्क्रीन पे उस पर इक्वल लाइट है. अब मान लीजिए कि आप एक कंप्यूटर लेके बैठे हैं और पीछे एक दरवाजा या विंडो है और वहां से थोड़ी सी धूप या लाइट है जो आपके स्क्रीन पे हल्की सी आ रही है. यदि कहीं भी हल्की सी स्क्रीन पे लाइट आ रही है, पीछे वाली लाइट, तो आप समझ लीजिए कि आपके आंख पे बहुत बड़ा खतरा है, डेंजर है, और डेंजर लेके आप काम कर रहे हैं, उसको तुरंत बंद कीजिए, इतना खतरा मत लीजिए. एक और चीज हो सकती है कि आपके स्क्रीन में यदि गलती से आपका चेहरा दिख रहा है या आपके आसपास का कोई सामान का परछाई उसमें आ रहा है, हल्का या ज्यादा, तो डेंजर है, उसको तुरंत चेंज कीजिए, एंगल चेंज कीजिए. पीछे से लाइट नहीं आना चाहिए आपके स्क्रीन पे. आपके स्क्रीन पे पीछे से लाइट आएगा तो ग्लेयरिंग हो जाएगा. तो ऊपर से लाइट आए, साइड से आए, कहीं से आए, उस तरीके का बंदोबस्त आप करिए. आपके स्क्रीन पे ग्लेयरिंग नहीं होनी चाहिए और वो नहीं होनी चाहिए. तो एक बात हुई, अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की. मैंने बताया 9 बताऊंगा, तो दूसरा चीज क्या है, से नो टू ब्लू लाइट. कम करें, ज्यादा करें, ऐसा नहीं. ब्लू लाइट को सीधा ना कह दें, ना ब्लू लाइट नहीं चाहिए. तो ब्लू लाइट, ये सारा कुछ ब्लू लाइट है. कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, रात को आप उस तरीके से बात कर रहे हैं, आप सो के देख रहे हैं, अंधेरे में अपने मोबाइल देख रहे हैं, उसको यदि आप देख रहे हैं तो सीधा नो कहें. आपको अंदाजा नहीं है आप क्या कर रहे हैं, आपके आंख से रिलेटेड नहीं है सिंपल मामला. आंख से तो इतना गंदा रिलेटेड है कि आपकी रेटिना तक को ऐसे डैमेज कर लेगा कि फिर वापस रिपेयर नहीं होएगा. इस पे आइए पहले. लेकिन उसके अलावा ये बहुत चीजों से कनेक्टेड है. मैंने बताया 1,070,00,000 कोशिकाएं आपकी एक आंख में है. 1,070,00,000 इधर, 1,00,000, 1,070,00,000 इधर. वो सारे के सारे लाइट सेंसिटिव हैं और वो लाइट से सेंसिटिविटी ले रही है ब्लू रे में, और लेने के बाद आपकी नींद को बैंड बजा देंगे. आपको सारे के सारे स्लीप डिसऑर्डर होंगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, फिर सारी बीमारियों का जड़ होगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ेगा. आंख की इन्फ्लेमेशन की बात ही अभी नहीं कर रहा हूं, वो तो स्ट्रेन हुआ. आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा बिकॉज नींद पूरी नहीं होगी, और जब नींद पूरा नहीं होगा तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा. इन्फ्लेमेशन आपको डायबिटीज की तरफ ले जाएगा, इन्फ्लेमेशन आपको धमनी की बीमारी करेगा, इन्फ्लेमेशन आपको जो है कैंसर की तरफ ले जाएगा, इन्फ्लेमेशन सब कुछ करेगा. कितना सिंपल सा बात है और कितना खतरनाक बात है. हम मोबाइल देख रहे हैं ऐसे करके अंधेरे में, और इसका कहां कहां से क्या क्या कनेक्शन है, आने वाले सालों में सब कनेक्शन पता चलने लग जाएगा. तो यदि कोई आपके घर में बच्चा कर रहा है, आपका बड़ा बच्चा कर रहा है, कॉलेज गोइंग और आईटी में काम करने वाला बच्चा कर रहा है, आप खुद एज अ बच्चा कर रहे हैं, तो इन सारे बच्चों को ये पहला सीखने की जरूरत है कि से नो, बिग नो टू ब्लू लाइट. सीधे नो कह दीजिए. व्हेन यू यूज योर डिजिटल डिवाइस, क्या होता है, आपका स्क्रीन जो है डार्क हो जाता है या लो लाइट में जाता है, तो इसको अवॉइड कीजिए. ब्राइट लाइट, फ्लोरोसेंट लाइट, उसको अवॉइड कीजिए, और फिर जो है सॉफ्ट लाइट लेके आइए, सॉफ्टली यूज कीजिए, और फिर सॉफ्टली उसको, वहां पे लाइट होनी चाहिए. आपको अंधेरे में मोबाइल देखने की जरूरत पड़ गई थोड़ी देर, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, लाइट जला दीजिए ऊपर वाला, फिर देखिए. क्योंकि आपके आंख पे अब वो तनाव नहीं है, आंख आपका उस तरीके से अब वो फोकस नहीं ले रहा है,
वो अब नॉर्मल ले रहा है, तो उस तरीके का काम करिए। अब तीसरे नंबर पे जाते हैं, दो हुआ, मैंने दो बताया, पहला क्या बताया तो प्रॉपर लाइटिंग, दूसरा बताया से नो टू ब्लू रे। अब तीसरे पे जाते हैं, तीसरा जो है वो है आई बॉल का एक्सरसाइज, और मैं बहुत सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा, हो सकता है बहुत लोगों को मालूम हो और करते हो, जो करते हैं वो बहुत बढ़िया, आप और ज्यादा कीजिए, लेकिन जिनको नहीं मालूम है, नहीं करते हैं, मैं एक ऐसा एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं जो इतना सिंपल है कि आप कभी भी कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं, जब बोर हो जाए तो कर लें, और ये करना बहुत जरूरी है यदि आप 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन देखते हैं। मैं 11 घंटे की बात ही नहीं कर रहा, और सब लोगों ने यस यस कहा है 4 से ऊपर, तो आप समझिए कि कैसा एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज है, आपकी आंख को वाइड खोलना है, जितना बड़ा खोल सकते हैं ऐसे खोलिए। खोलने के बाद कुछ नहीं करना है, आपकी आई बॉल जो है ब्लैक वाली जो आई बॉल है, या जिसकी भी ब्राउन है, जैसी भी है, नीली है, उस आई बॉल को आपको सर्कुलर मोशन में घुमाना है एक्सट्रीम एज पे ले जाके। एक्सट्रीम एज का मतलब कि वो एकदम नीचे हो, और जैसे मैं एक घुमा के आपको दिखाता हूं, मतलब आप जो है अपनी आई बॉल को एकदम नीचे ले जाइए, और एकदम एज पे रखते हुए, किनारे पे रखते हुए एकदम एंड पे ले जाइए, फिर किनारे पे रखते हुए एकदम टॉप में ले जाइए, किनारे पे रखते हुए एकदम एज पे ले जाइए, फिर किनारे पे रखते हुए नीचे ले जाइए। क्या करना पड़ेगा आपको, एकदम नीचे देखना पड़ेगा, एकदम साइड में देखना पड़ेगा, एकदम ऊपर देखना पड़ेगा, एकदम इस साइड में देखना पड़ेगा, फिर से एकदम नीचे देखना पड़ेगा, और इसको करते रहना पड़ेगा। इसमें आप स्पीड ला सकते हैं और एकदम फ्लॉलेसली कर सकते हैं, फ्लॉलेस एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, ऐसा होगा। ये वाला जब आपने किया तो आपने ऐसा किया 2 राउंड, अब स्टॉप कर दीजिए, अब 2 राउंड ऐसा कीजिए, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में 2 बार स्टॉप, वापस 2 बार घड़ी की उल्टी दिशा में, और फिर स्टॉप। इस तरीके से यदि आप करेंगे तो ये आई बॉल का एक सिंपल एक्सरसाइज हुआ। करेंगे आप लोग यस नो? क्या ये सिंपल एक्सरसाइज करेंगे आप लोग? सुपर। तो ये बहुत सिंपल है, और इसको जो है आप कल से ही शुरू कर दें, कल से इसको ट्राई करना शुरू कर दें, और टाइम आप सेट कर लें, जब आपको लगे कि बोर हो रहे हैं तो अभी ऐसा कर लीजिए, बैठे बैठे कर लीजिए। ये एक एक्सरसाइज हुई। अब आगे बढ़ते हैं, ये तीसरा नंबर बताया मैंने, अब चौथे पे जाते हैं, अपनी नायाब तरीके में से चौथा तरीका है कि ग्लेयर का रिडक्शन कीजिए, ग्लेयर को कम कीजिए। ग्लेयर को कम करने का सबसे जो पहला तरीका है वो तरीका है कि आप जो है अपने डिवाइस की क्वालिटी बढ़ाइए, डिवाइस के स्क्रीन पे ज्यादा खर्चा कीजिए, ज्यादा क्वालिटी बढ़ाइए। स्क्रीन ग्लेयर को पहले समझते हैं कि स्क्रीन ग्लेयर सिर्फ जो है ब्राइटनेस या स्क्रीन इटसेल्फ से नहीं होता है, स्क्रीन ग्लेयर जो मैंने पीछे से लाइट आने वाली अभी बात कही उससे भी होता है। आपके पीछे धूप है और आप बैठे हैं, आप यदि बालकनी में या कहीं पे ओपन में या गार्डन में बैठे हैं आपका लैपटॉप लेके, आप देखिएगा आपके लैपटॉप में फॉन्ट बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि उस पर थोड़ा सा लाइट भी आ रहा है। इसको स्क्रीन ग्लेयर कहेंगे। तो क्या बातें हुई, दो बातें मैंने कही, दो तरह का ग्लेयर है कारण। पहला ग्लेयर का कारण है कि बाहर से ही लाइट आ रहा है, उसी पर लाइट पड़ रहा है, धूप पड़ रही है, कुछ हो रहा है तो ग्लेयर हो रहा है। दूसरा ग्लेयर ऐसा है कि अंदर से वो फ्लिकर हो रहा है, अंदर से ही वो स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो आपको दोनों तरीके से कारण समझना पड़ेगा और उसको इलाज करना पड़ेगा। जो अंदर से फ्लिकर है उसके लिए, उस ग्लेयर को कम करने के लिए, देखिए जब कंप्यूटर का पहला बार कंप्यूटर आया था 94 में इंडिया में, तभी से आप देखेंगे कि वो सारे सिस्टम थे एंटी ग्लेयर, एक उस पर स्क्रीन लगाई जाती थी, अभी भी एक्सेसरी मिलता है एंटी ग्लेयर स्क्रीन। आपके मोबाइल पे भी बहुत सारे एंटी ग्लेयर आज भी वो लगाए जाते हैं, क्या स्क्रीन गार्ड और एंटी ग्लेयर उसमें फीचर होता है। तो एंटी ग्लेयर का मतलब कि उसको ग्लेयर को कम किया जाए। दूसरा, आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सेटिंग होते हैं, मोबाइल के अंदर स्क्रीन रिजोल्यूशन की बहुत सारी सेटिंग होती है, उस सेटिंग को आप कर सकते हैं, और सेटिंग को करके आप जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसका जो है पिक्सल चेंज कर सकते हैं, उसका जो है कितना बाई कितना का वो रिजोल्यूशन है वो चेंज कर सकते हैं, और वो सारा चीज चेंज करने से आपका जो है वो चीज एडजस्ट हो सकता है। पहले ग्लेयर के खतरे को समझते हैं कि ये ग्लेयर जो है, ये ग्लेयर ज्यादा खतरनाक है आपके लिए, क्योंकि ये जो है रिफ्लेक्शन यदि दे रहा है या फ्लिकर कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये जो है आपको आई
स्ट्रेन पे ले जाएगा, हेडेक पे ले जाएगा, माइग्रेन को ट्रिगर करेगा, यदि माइग्रेन गलती से भी दबा हुआ है तो ट्रिगर करेगा, और यदि नहीं है तो माइग्रेन वाला आदमी बना देगा आपको। उसके अलावा ब्लर्ड विजन पे ले जाएगा, ड्राई आई सिंड्रोम देगा, ये सारा कुछ करेगा, और ये आपके नेक और शोल्डर पेन की तरफ भी ले जाएगा। और ये साउंड से स्ट्रेंज, ये लगता है ऐसा अजूबा जैसे आंख होते होते नेक और बॉडी कैसा हो गया, ये होता है। एंड हाउ कम स्क्रीन ग्लेयर जो है शोल्डर पेन और नेक पेन की तरफ लेके चला जाएगा, इस पे भी ताजुब होता है, बट ऐसा होता है। लेट मी टेल यू हाउ इट वर्क्स, ये ऐसा क्यों होता है। जब ग्लेयर की बात करें तो वो उस लेवल पे क्यों लेके जाता है। स्क्रीन ग्लेयर क्या करता है, तो ये आपके विजन पे एक्स्ट्रा डिमांड डालता है, एक्स्ट्रा फोकस मांगता है, तो आपका जो है डिमांड बढ़ जाता है आपके विजन के ऊपर। क्या होता है उसका रिजल्ट, उसका परिणाम होता है आपका आई स्ट्रेन, डिमांड बढ़ गया, जितना फोकस कर रहा था उससे अब ज्यादा फोकस कर रहा है, सारी नर्व्स उस पर काम कर रही हैं, फोकस को बढ़ा रही हैं, और फिर भी उसको कैच नहीं कर पा रही हैं, थोड़ा सा फ्लिकरिंग हो रही है, तो और ज्यादा वो कर रहे हैं। जब ये स्क्रीन ग्लेयर हुआ तो आपकी आई को कंटिन्यूअसली एंड कॉन्स्टेंटली अडेप्ट करते रहना पड़ता है डार्क को और ब्राइट को, डार्क को और ब्राइट को। लुक एट द सिचुएशन, आपकी नर्व्स और आपका ब्रेन एवरीथिंग इज कंटिन्यूअसली अडेप्टिंग टू द लाइट टू डार्क, लाइट टू डार्क, वो उसमें एडजस्टमेंट ले रहा है कंटिन्यूअस। तो आपने क्या किया, बहुत ज्यादा काम बढ़ा दिया। अब यदि इस तरीके का कुछ होगा तो ये क्या करेगा, ये जो है आपके हेडेक और माइग्रेन के सिम्टम्स को लाएगा अपने आप। कोई भी आदमी को माइग्रेन ना भी हो और उसको ऐसा करा दीजिए आधे घंटे 20 मिनट, उसको माइग्रेन हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं है तो आपको हेडेक तो होएगा ही होएगा, तो वो वाली बात हो गई। अब जिसका पहले से हेडेक वाला बात था, माइग्रेन वाली बात था, उसका ट्रिगर हो जाएगा, उसकी बटन ऑन हो जाएगी। मेजॉरिटी ऑफ द माइग्रेन सफरर्स, जितने लोगों को माइग्रेन है उसमें से ज्यादा लोग का ये एक सबसे बड़ा ट्रिगर है और उनको मालूम नहीं है कि ट्रिगर है। मैं उसी अपने मित्र की बात कर रहा हूं जो कि बहुत बड़ी आई सर्जन है कोलकाता में। उनका कहना है कि पिछले 10 साल में माइग्रेन की संख्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, और उसका कनेक्शन यहां से है। जब से ये डिजिटल डिवाइस आया है, जब से इसकी ड्यूरेशन बढ़ी है, तब से ये माइग्रेन वाली चीज ज्यादा कॉमन होती चली जा रही है। तो ये उसका ट्रिगर का काम करता है। एनीवन विद माइग्रेन हियर, ऐसा कोई है जिसको कि खुद या फैमिली में किसी को माइग्रेन है, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। व्हाट इज माइग्रेन, माइग्रेन इज अ सर का दर्द जिसको आप झेल नहीं सके, अध कपाड़ी जिसको कहते हैं, ऐसा हो कि आप फिर उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सके। सुपर, तो अभी आगे बढ़ते हैं अपने 5वें नुस्खे की तरफ, जो हमने बताया कि नायाब नुस्खे में बताऊंगा। तो 5वां नुस्खा ये है, और 5वां नुस्खा है डिस्टेंस एडजस्टमेंट। डिस्टेंस को एडजस्ट करें। मैं यहाँ पे भी कुर्सी में बैठा हूं और सामने टेबल पे मेरा मैकबुक रखा हुआ है। मेरा मैकबुक का डिस्टेंस और मेरा डिस्टेंस कितना है ये जरूरी है, इसको आप तय करें। आप जब मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल का डिस्टेंस कितना हो, आप कितने दूर पे देखेंगे ये तय करें। ऐसे करके ना देखें और वैसे करके ना देखें। तो ये कैसे, ऐसे वैसे मतलब कैसे, इसको मैं इस स्लाइड पे डिफाइन करना चाहता हूं। वैसे मैंने स्लाइड पे रखा है और वो पूरी की पूरी मेजरमेंट वहां पे चार्ट बना के रखी हुई है, मैं आपको एक्सप्लेन किए देता हूं यदि छोटा छोटा है आपको नहीं दिख रहा है तो। मेरा सिंपल कहना है कि थोड़ी सी छोटी मोटी चेंजेस कीजिए आपके डिवाइस में और आपके बैठने के जगह के अंतर में, उसके एंगल में, उसके ऊंचाई नीचाई में थोड़ी सी चेंजेस कीजिए, और ये बहुत सिंपली आप कर सकते हैं, बहुत इजियर कर सकते हैं, ताकि आपकी आईज को डिसकंफर्ट, स्ट्रेन, ये सब चीजें ना हो। मेक श्योर कि आपका कंप्यूटर स्क्रीन कम से कम 25 इंच की डिस्टेंस पे हो। 25 इंच ही काफी है, 30 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, 25 के आसपास रखिए। 25 मतलब कितना होता है, 2 फीट। 25 इंच की बात हो रही है, 2 फीट की बात हो रही है। 2 फीट का डिस्टेंस आपके मोबाइल आपके कंप्यूटर के बीच होना चाहिए। आप यदि रखें मोबाइल को भी देख रहे हैं तो हाथ को थोड़ा फैलाएं और मोबाइल को ऐसे पकड़ें, हाथ स्ट्रेट रखें, ऐसे ना पकड़ें, तो आप ऐसे रखें, एक बात हो गई। तो मैंने पहला चीज क्या बताया, डिस्टेंस बताया, डिस्टेंस कितना बताया, 2 फीट। 2 फीट की डिस्टेंस रखें, 1.5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ऐसा कोई मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं, अंदाज से 2 फीट का एक डिस्टेंस आपने रख लिया। अब दूसरी बात करते हैं, ये तो डिस्टेंस की बात हो गई, अब बात करते हैं इसके ऊंचाई की, एंगल की। तो वहां मैंने एंगल आपको फोटो में दिखाया है। एंगल की बात करें तो एंगल ऐसा होना चाहिए कि ये जो है
10 to 15 degree below your eye level होना चाहिए, 10 से 15 degree आपकी आई लेवल से नीचे होना चाहिए। आपकी आई यहां पे है तो यहां पे नहीं होना चाहिए। आपका टीवी यदि घर में लगा हुआ है तो टीवी आई के लेवल पे नहीं होके थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, 10 to 15 degree। आपका फोन पकड़ना चाहिए 10 to 15 degree लो, 10 to 15 degree आपका कंप्यूटर 10 to 15 degree लो, और एक हाथ का डिस्टेंस मतलब 2 feet का डिस्टेंस में। क्लियर है? अब हम पांचवा नंबर में ये बताया आपको कि डिस्टेंस एडजस्टमेंट कैसे करें या इस ट्रेन को कम करने के लिए। अब छठे नंबर पे जाते हैं और छठे नंबर की बात करते हैं। छठा नंबर है फॉन्ट स्केलिंग। फॉन्ट स्केलिंग का मतलब हुआ कि आप अपने कंप्यूटर के, लैपटॉप के, मोबाइल के, टैबलेट के, आईपैड के, जो भी डिवाइस आप इस्तेमाल करते हैं उसकी फॉन्ट को बढ़ा दीजिए। कोई शिकायत नहीं है, कोई देखने नहीं आ रहा है आपको, आप फॉन्ट को बढ़ा दें, रिजोल्यूशन चेंज कर दें। और फॉन्ट बढ़ाने का सेटअप दिया हुआ है आपके हर मोबाइल में, हर कंप्यूटर में, फॉन्ट को बड़ा करें, सरका के पढ़े बट फॉन्ट को बड़ा करें। यदि कोई मैसेज पढ़ रहे हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल ले लें, बड़ा करें, अब जूम करके पढ़ें, फॉन्ट बड़ा करके पढ़ें। कोई इमेज जेपेक जैसी मेथड है तो थोड़ा उसको जूम करके पढ़ें। तो फॉन्ट साइज इंक्रीज करना बहुत आसान है। कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं आती जिसमें फॉन्ट साइज बढ़ाने का तरीका नहीं दिया रहता है। सिंपली गो टू योर सेटिंग, सेटिंग के अंदर जाएं और फॉन्ट साइज का सेटिंग में चेंज करें और वैसे सेटिंग पे लाएं जो कि आपकी आंख बराबर देख सकती है और स्क्रीन आंख पे नहीं आए, ऐसा सेटिंग पे ला दीजिए। आपका लैपटॉप, आपका टैबलेट, आपका मोबाइल, आपका कोई भी डिवाइस में ये सेटिंग दिया हुआ है। और यदि मैक्सिमम सेटिंग पे ला दिया आपने और वो भी एनफ नहीं है, वो भी आपको नहीं दिख रहा, छोटा छोटा हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? चेंज द डिवाइस, यूज बिगर डिवाइस। अपने फोन के स्क्रीन का साइज चेंज कीजिए, फोन के टाइप को चेंज कीजिए। टाइप का मतलब क्या हुआ कि आप यदि YouTube देखते हैं तो बड़ा वाला टैबलेट इस्तेमाल कीजिए, आईपैड इस्तेमाल कीजिए, फोन बाकी चीजों के लिए रखिए। फोन पे ज्यादा देर तक YouTube मत देखिए या कोई तरीके का वीडियो मत देखिए या कोई बातें मत करिए। तो क्या हुआ, जो लंबा ड्यूरेशन वाली चीज है उसको बड़े स्क्रीन पे ले जाइए, जो छोटा ड्यूरेशन का चीज है उसको इस पे कीजिए। तो आप डिवाइस में चेंज कीजिए और स्विच टू अ बिगर डिवाइस, स्विच टू अ बेटर डिवाइस। जैसे नॉर्मली आप देखेंगे कि कोई अच्छी लैपटॉप आप लेंगे तो उस अच्छी लैपटॉप का स्क्रीन जो है फ्लिकर कम करेगा, कोई मैकबुक लेंगे तो वो फ्लिकर और कम करेगा। तो उसी तरीके से हर डिवाइस का एक फ्लिकरिंग होता है, बट उसके अलावा सेटिंग से बहुत लेना देना होता है। कभी बहुत अच्छी क्वालिटी का आपने लिया है और सेटिंग ही बराबर नहीं रखी है तो भी फ्लिकर कर रहा है। आपने लाइट बहुत ज्यादा रखा है अंदर से तो भी वो कर रहा है। तो लाइट वो होनी चाहिए जो आपकी आंख के लिए ठीक होनी चाहिए। और बड़े मजेदार बात यह है कि आज की मोबाइल, आज का कंप्यूटर कोई भी आप लें तो दे आर सो हेल्थ सेंट्रिक कि उनके सेटिंग में ये बात होती है कि यदि आप ब्राइटनेस बढ़ाएं, यदि मैं अपने इस फोन का ब्राइटनेस बढ़ाने को जाऊं तो ब्राइटनेस एक लिमिट से ऊपर जब जाती है तो वो वहां पे एक लिख के आता है कि दिस इज हार्मफुल फॉर योर आईज, इतना ब्राइटनेस मत बढ़ाइए। वो कहता है, उसके बाद भी आपको बढ़ाना है तो बढ़ाइए। आप कान में सुनने वाला चीज देखिए, आप जब वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो वहां पे लिख के आता है आपके फोन पे सेफ्टी मेजर में कि ज्यादा तेज सुनना आपके कान के पर्दे को खराब कर सकता है, उसके बाद आपको सुनना है तो फिर बढ़ा के सुनिए। तो कहने का मतलब है कि ये फॉन्ट स्केलिंग हर मोबाइल में होता है, वो आप करके बात करें। अब हम आगे बढ़े, छठा नंबर तक मैंने आपको कवर किया, 9 है टोटल तो 3 और बचे हैं। अब हम सातवें पे जाते हैं। है इंटरेस्टिंग, सब लोग हैं साथ में? यस और नो? यस, तो आते हैं हम सातवें नंबर पे चलते हैं। ये रहा सातवां नंबर। आपका सातवां नंबर जो है वो है कि ब्लिंक, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग कीजिए। फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग की बात करें, आपने आंख को बार बार ब्लिंक करें, मतलब क्या करें, पलक झपकाएं, पलक को झपकाते रहें। कितना भी किसी को ऑड लगता हो आप झपकाते रहें। अब बहुत ऐसे 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 झपकाएंगे तो पागल की तरह दिखेंगे, थोड़ा कम झपकाएं। अब कितना कम कितना ज्यादा उसको समझ लेते हैं। क्या आपको मालूम है कि एक एवरेज व्यक्ति, औसतन एक आदमी एक मिनट में 15 से 20 बार अपनी पलक को झपकाता है। एक नॉर्मल आदमी एक मिनट में औसतन 15 से 20 बार अपनी पलकों को झपकाता है। ये जो मैं कर रहा हूं, बात करते करते झपक जाती है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये 15 से 20 बार होती है। इट इज सो फ्रीक्वेंट, इतनी जल्दी जल्दी होता है ये
कि आईज रिमेन्स क्लोज्ड फॉर कितने देर तक ऑफ 10% ऑफ योर वेकिंग टाइम। जितने देर आप जगे रहते हैं, सुबह जब सो के उठते हैं और रात को सोने जाते हैं, तब तक के समय को वेकिंग टाइम कहेंगे, जगा हुआ जागृत समय। जब सुबह आप सुबह उठे थे 5 बजे 6 बजे, तब से लेके रात को जब आप 10-11 बजे सोएंगे, तब तक का जो वक्त है उसको वेकिंग टाइम कहेंगे, आपके जागृतावस्था का समय। उस पूरे जागृतावस्था का 10% आपकी आंखें बंद रहती हैं, आप इस कंडीशन में होते हैं। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, तो इस हिसाब से किया कि 15 से 20 बार हर मिनट में आपकी आंखें झपकती हैं। तो यदि 15 से 20 बार झपकती हैं, तो उतने देर में ये जो है 10% ऑफ योर वेकिंग टाइम इज इन क्लोज्ड आई मोड। ये ऐसे ही मैंने इंटरेस्ट के लिए आपको बताया। अब मैं जो आशय कहना चाहता हूं उस पे आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप गैजेट पे देखते रहते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते रहते हैं, जैसे अभी आप तल्लीन होके देख रहे हैं और सुन रहे हैं हमको, मैं तल्लीन होके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस वक्त क्या हो रहा है, हमारा और आपका दिमाग कहीं और है केंद्रित, हम कहीं और इंटरेस्ट लेके बैठे हैं। जब आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, जब आप कोई यूट्यूब देख रहे हैं, जब आप कोई न्यूज देख रहे हैं, जब कोई आप मैच देख रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, जब आप व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहे हैं, तो उस समय आपका दिमाग, जब आपका बच्चा या बच्ची वो कंप्यूटर पे ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है, तो उस समय वो नॉर्मल नहीं है, उसका दिमाग कहीं और फोकस्ड है। उस वक्त क्या होता है कि वो जो 15 से 20 बार एक मिनट में झपकता है, उसके झपकने की संख्या कम हो जाती है, और कितनी हो जाती है आपको जानना है, तो वो 5 बार 7 बार पे आ जाती है। 5 बार झपकती है 7 बार झपकती है, कुछ लोगों का 3 बार भी नहीं झपकता यदि वो ज्यादा फोकस्ड है उसमें, खासकर बच्चे, क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं रहता, वो बहुत इंटरेस्ट लेके वहां पे चले जाते हैं, ऐसे देखने लग जाते हैं, फिर आंसू आया तो पहुंच भी लेते हैं लेकिन लगे रहते हैं, छोटे बच्चों को देखिएगा। तो क्या होता है, जो 15 से 20 बार झपक रहा था एक मिनट में, वो अब 5 बार से नीचे झपकने लग गया एक मिनट में। रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि आपका जो झपकने का प्रोसीजर कम हो जाने से आपकी आई में मॉइस्चराइजेशन कम हो गया, और ये ज्यादा सब्सेप्टेबल हो गया ड्राई आई बनने के। और इसीलिए ये जरूरी है कि आप जो है एक कंसियस एफर्ट बनाएं, एक जो है तय करके इसके लिए आप एक एफर्ट लें, ताकि आप जो है स्लोली स्लोली ब्लिंक करते रहें, अपनी आंख को फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करते रहें, ताकि आपके आंख का मॉइस्चर मेंटेन रहे। यहां पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि क्या होता है। ब्लिंक यदि 15 से 20 टाइम पर मिनट एक एवरेज आदमी करता है, तो केवल 7 बार से कम ही करता है जब कंप्यूटर पे होता है तो। और यदि वो मोबाइल पे होता है, कंप्यूटर पे होता है मतलब फिर भी लिटिल नॉर्मल है, वो काम कर रहा है एक्सेल शीट पे, वर्ड पे, डॉक्यूमेंट पे, ईमेल पे, फिर भी वो झपक सकता है, क्योंकि वो उस तरीके से कंसंट्रेटेड नहीं है। जैसे ही वो मोबाइल पे, टैबलेट पे आता है, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पे आता है और व्हाट्सएप में आता है, तब वो 5 मिनट 5 से कम हो जाता है, 4 से कम हो जाता है, क्योंकि अब उसका और तल्लीनता वहां पे आ गया। तो यहाँ पे मैंने यही बताने की बात की कि बच्चे तो 3 से कम करते हैं, झपकाते हैं, तो स्टेयरिंग ऑन डिजिटल स्क्रीन डिक्रीजेज द रेट ऑन विच यू ब्लिंक योर आईज। और यदि ये रेट कम हुआ तो क्या होगा, आप जो है ज्यादा से ज्यादा ड्राई आई की तरफ बढ़ेंगे और ड्राई आई सिंड्रोम होगा, क्योंकि मॉइस्चराइजेशन नहीं हुआ, कम हुआ। सो आप एक इस बात को सीरियसली अपने जहन में बिठाएं और कहें कि आप अगली बार से झपकाना कैसे शुरू करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम 8वें नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं, और 8वां नुस्खा एक तरीके का ट्रिक एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, 20-20-20 रूल। 8वां नुस्खा ये कहता है कि फॉलो 20-20-20 रूल। ये 20-20-20 का एक रूल है। अब क्या रूल है ये 20-20-20, ऑलवेज इसको याद रख लें। 20-20-20 रूल ये कहता है कि 20 मिनट 20 सेकंड और 20 फीट। पहला 20 मतलब 20 मिनट, दूसरा 20 मतलब 20 सेकंड, और तीसरा 20 मतलब 20 फीट। अब क्या बताना चाह रहे हैं उसको समझते हैं। समझ लीजिए, एवरी 20 मिनट लुक एट समथिंग 20 फीट अवे फॉर 20 सेकेंड्स टू प्रिवेंट योर आई स्ट्रेन। लेट मी रिपीट अगेन, एवरी 20 मिनट लुक एट समथिंग 20 फीट अवे फ्रॉम यू फॉर 20 सेकेंड्स टू प्रिवेंट योर आई स्ट्रेन। लेट मी फर्दर एक्सप्लेन यू, एक बार हिंदी में मैं इसको अच्छे से समझा देता हूं कि आप जब भी कुछ काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, वीडियो देख रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पे भी, तो एक रूल बनाइए कि घंटे में 3 बार ब्रेक लीजिए।
उस ब्रेक को लेने के लिए आप मोबाइल पे भी अलार्म लगा सकते हैं, और वो अलार्म कैसा होगा तो हर 20 मिनट पे पीप पीप कुछ करके आपको बता दे। आप फिटनेस बैंड पहनते हैं उसमें भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, हर 20 मिनट पे वो आपके कलाई को गुर गुर दबा देगा, दो बार गुर गुर कर देगा और आपको पता चल जाएगा कि 20 मिनट हुआ। जैसे ही 20 मिनट हो और ये अलार्म आपको मिला, वाइब्रेशन वाला अलार्म या बजने वाला अलार्म, आपको क्या करना है, आपको 20 फीट दूर देखना है। आप अभी देख रहे थे इसे स्क्रीन पे, अभी देख रहे थे इस मोबाइल पे, अब इसमें से छोड़ के 20 फीट दूर देखना है, और ज्यादा अच्छा हो कि आप ग्रीन चीज को देखें, पेड़ को देखें, पौधों को देखें, 20 फीट दूर देखें। विंडो से बाहर देखा तो 20 फीट दूर हो ही जाएगा, और 20 फीट दूर देख के कितना देर तक देखें, तो 20 सेकेंड तक देखें। यही है 20-20-20 रूल, 20 मिनट के बाद 20 फीट दूर और 20 सेकेंड तक देखें, और फिर वापस अपने काम पे लग जाएं। अब ये आप नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। 20 सेकंड टाइम वेस्ट नहीं हुआ, इसने गुर गुर करके आपको बता दिया, घंटे में 3 बार 20-20 मिनट पे, एक बार गुर गुर करके बताया कि वक्त हो गया, जैसे ही बताया आपने बाहर देखा, विंडो से बाहर पौधे को, पेड़ को, अब 20 सेकंड होने के बाद फिर से वापस काम करने लगे, ओवर। इतना ही छोटा सा एक्सरसाइज है, इसको कहेंगे 20-20-20 एक्सरसाइज। इस 20-20-20 को जब आप करते हैं तो ये रूल आपको आई स्ट्रेन को बहुत हद तक नीचे लाने में आपकी मदद करता है, और ये जो है ड्राई आई सिंड्रोम से भी आपको बचाता है। अब 8 तक नुस्खे हम पहुंचे हैं, अब लास्ट एंड बट नॉट द लिस्ट वाला नुस्खा देखते हैं, नुस्खा नंबर 9। नुस्खा नंबर 9 है कि टेक सप्लीमेंट्स। आई के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, मैंने बहुत सारे सप्लीमेंट का फोटो यहाँ पे दिखाया है, ये सारे के सारे सप्लीमेंट्स आई के लिए होते हैं, तो आई को सप्लीमेंट देने की जरूरत है डिजिटल आई स्ट्रेन से बचने के लिए, ड्राई आई सिंड्रोम से बचने के लिए, आंख के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। आपकी आई के पास न्यूट्रिशन और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जो खास तरीके के पोषण होने चाहिए, वो होने चाहिए। इसको कहते हैं मैक्यूलर कैरेटेनॉइड डाइट, मैक्यूलर कैरेटेनॉइड डाइट, कैरेटेनॉइड होते हैं उसमें। तो मैकुलर कैरेटेनॉइड क्या क्या होते हैं, तो जैसे ल्यूटिन होती है, जियाजेंथिन होती है, ये सारा कुछ अपने डाइट में आप शामिल कर सकते हैं या इसका सप्लीमेंट ले सकते हैं। और ये जो है, जब आप सप्लीमेंट के रूप में लेना चाहें तब तो अवेलेबल है, डाइट के रूप में लेना चाहें तो लीफी ग्रीन्स जितने होते हैं, पत्तेदार हरी सब्जियां, अंडे में होता है, ऑरेंज में होता है, या ऑरेंज कलर्ड कोई भी उतनी डार्क कलर वाली चीज होगी उसमें होगा, कैरेट हो सकता है, मेलॉन्स हो सकते हैं, जो आपके खरबूजे तरबूजे आते हैं वो हो सकते हैं, मैरी गोल्ड फ्लावर हो सकता है, उसमें से बहुत सारा चीज निकलता है। तो ये इस तरीके के होते हैं, और ये सारे के सारे जो जो सप्लीमेंट्स हैं, ये आपकी आंख के इन प्रॉब्लम्स को बहुत जबरदस्त तरीके से एड्रेस करते हैं। वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स इसको फॉलो कर रहे हैं, और न्यू एज जनरेशन जो हमारा है, जो न्यू एज कहते हैं ना कि जो ज्यादा यंग ऑडियंस है, वो इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा आई स्ट्रेन में अभी रहती है। गोयंग में जो आपका ब्रांड है, आपका खुद का जो ब्रांड है गोयंग, उस गोयंग ब्रांड में फाइनेस्ट मैक्यूलर कैरेटेनॉइड सप्लीमेंट अवेलेबल है, जिसका नाम है आई केयर। और ये आई केयर जो है सर्टिफाइड डेली न्यूट्रिशन है आपकी आंख के लिए, और जो है ऑनलाइन यदि देखा जाए तो इस कैटेगरी का बेस्ट सेलर है। इस कैटेगरी में बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट हैं, बिकॉज ये बहुत निश कैटेगरी है, और इस निश कैटेगरी में वन ऑफ द फाइनेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आपकी कंट्री में आपका गोयंग का आई केयर ही है। तो समझते हैं आई केयर को आने वाले 3-4 स्लाइड में क्विकली। सबसे पहला है कि ये जो है गैजेट और टायर्ड आई के लिए है। ये जो है आपको मॉइस्चराइज और हाइड्रेट्स रखता है आपके आंखों को, आपकी आंखों को रिलैक्स करता है, उसके नर्व्स को, और जो है ये स्लीप को इम्प्रूव करता है। आपके विजन के लिए, विजन को इम्प्रूव करने के लिए ये फूड का काम करेगा, ऐसा आप कह सकते हैं। ट्रस्टेड आई केयर है, जिसमें ब्लूबेरी भी है, आपका कैरेट एक्सट्रैक्ट है, जिसमें ल्यूटिन और जियाजेंथिन है, इसमें यष्टी मधु है, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। और ये इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत सारे आई विटामिन जिसको कहते हैं वो भी इसमें प्रचुर मात्रा में है। और ये इसका फॉर्मुलेशन का एक रफ आइडिया आपके लिए कि ब्लूबेरी न्यूट्रिशन है, ल्यूटिन जियाजेंथिन है, कैरेट और उस तरीके के जितने भी कैरेटेनॉइड हैं उसके पावर हैं, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज कंप्लीट नेचुरल तरीके से बना हुआ है।
ल्यूटीन और जियाजेंथीन को समझिए कि ये क्या है। ये दो इंपॉर्टेंट कैरेटेनॉइड है जो कि एक पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं। प्लांट में जो ज्यादा ऑरेंज कलर का गहरा रंग होता है उस ऑरेंज कलर के रंग को कैरेटेनॉइड पिगमेंट कहते हैं। तो ये जो है वहां पे पाए जाते हैं, नाम है ल्यूटीन एंड जियाजेंथीन। ये जो है आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। हाई एनर्जी यदि रेज आते हैं, कोई ऐसा वेव आता है लाइट में जिसमें हाई एनर्जी है, जैसे एलईडी है या फिर ब्लू रे जो मैंने बताया, जो रात में आप देख रहे हैं, जो आप मोबाइल में से निकल रही, दिन में भी निकल रही है लेकिन आपको वो दिख नहीं रहा है, रात में वो दिख रहा है, तो जो वो निकल रही है उसकी बात करें तो ये सारा का सारा ये उसको प्रोटेक्ट करता है। मतलब ये हार्मफुल हाई एनर्जी जो भी आए उसको प्रोटेक्ट करता है। कैरेट्स के अंदर जो है बीटा कैरेटीन प्रचुर मात्रा में होता है। कैरेट इज रिच ऑफ बीटा कैरेटीन। तो जो बीटा कैरेटीन की बात करें तो वो क्या करता है, तो वो बॉडी उस बीटा कैरेटीन का इस्तेमाल विटामिन ए बनाने में करता है। विटामिन ए क्या करता है, तो विटामिन ए को आई का विटामिन कहा जाता है, आंखों की विटामिन कही जाती है विटामिन ए को। तो विटामिन ए एंड रोडोप्सिन जिसको कहते हैं विजुअल पर्पल, आपकी आंखों को लुब्रिकेशन देता है, तो रोडोप्सिन और विटामिन ए जो है गाजर में या इस तरीके के जितने इंग्रेडिएंट्स मैं बता रहा हूं मैं प्रचुर मात्रा में होती है, इसलिए ये। थोड़े और इंग्रेडिएंट को समझते हैं, तो ब्लूबेरीज एक तरीके का बेरी है, और जो ये ब्लूबेरी है वो एक वायलेट रंग का एक बेरी है, बट इसमें क्या होता है तो एंथोसायानिन्स नाम का एक पदार्थ इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो एक हाई क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है और कोलाजन ब्लास्टर होता है। तो ये जो रेटिना के पीछे के स्ट्रक्चर्स हैं उस पे ये विजन प्रोटेक्शन का काम करता है, और इसका पूरा का पूरा इस्तेमाल आपके आई केयर में हुआ है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट है जो आपके इसमें प्रचुर मात्रा में है आई केयर में, वो है गेंदा का फूल, मेरी गोल्ड। आपने ये गेंदा का फूल हर जगह देखा होगा। इस गेंदा का फूल का कलर वही है जो कलर मैंने गाजर का बताया, और इसमें प्रचुर मात्रा में जो है वो जियाजेंथीन पाया जाता है। इनफैक्ट मेरी गोल्ड या गेंदा का फूल जो है डोमिनेट करता है आई हेल्थ इंग्रेडिएंट में वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में आई हेल्थ का जो इंग्रेडिएंट यदि बनाया जाए तो गेंदा का फूल ये जो है सबसे ज्यादा डोमिनेशन में होता है, इसका मेडिसिनल वैल्यू इतना ज्यादा है। तो ये क्या करता है, तो ये जो है फोटो रिसेप्टर्स जो है आपके आंखों में उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फोटो रिसेप्टर्स, इसमें भी फोटो रिसेप्टर्स हैं। जितना महंगा फोन लेंगे उतना बढ़िया फोटो रिसेप्टर होगा, लेकिन किसी ने आदमी के आंख के जैसा फोटो रिसेप्टर आज तक बनाने का कल्पना भी नहीं किया, उतना सॉलिड फोटो रिसेप्टर्स हैं। कितना था, 1,070,00,000 कोशिकाएं एक में, सबके सब लाइट सेंसिटिव, वो फोटो रिसेप्टर्स हैं। तो उन फोटो रिसेप्टर्स को प्रोटेक्ट करने का काम ये जो है इसका तत्व करता है जो आपके गेंदा के फूल से निकलता है। और मैं आपको बताऊं तो ये जो NCBI है, जो US गवर्नमेंट की संस्था है, उस NCBI का यदि फाइंडिंग आप लेंगे तो NCBI का कहना है कि मेरी गोल्ड फ्लावर जो है इज वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल सोर्सेज फॉर प्योर एंड फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ ल्यूटीन एंड जियाजेंथीन। जियाजेंथीन और ल्यूटीन को यदि कमर्शियली फाइन क्वालिटी निकालना है तो NCBI कहता है कि गेंदा के फूल से ज्यादा बढ़िया सोर्स है ही नहीं पूरी दुनिया में। तो ये वो है, और यहाँ से हम उस चीज को इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट को और थोड़ा समझ लीजिए कि डेली स्मार्टफोन जो यूज करता है उसके आई के प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोडक्ट है। टैबलेट फॉर्म में है, 60 टैबलेट एक डिब्बे में है। 81% ऑफ लैपटॉप यूजर जो है ड्राई आई सिंड्रोम से जूझ रहे हैं, और उनको बहुतों को ये मालूम ही नहीं है कि उनको ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब हुआ कि आई में लुब्रिकेशन लो हो रहा है। इसीलिए जो आई केयर है आपका गोयंग का, वो ट्रस्टेड ऑक्यूलर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। एक और चीज यहाँ पे देखिए आप, कि यदि आप देखेंगे कि विदाउट गोयंग आई केयर एक चित्रण किया गया है कि किस तरीके से आपका आंख इन्फ्लेमेट हो रहा है और आई स्ट्रेन आ रही है, और विथ आई केयर ये किस तरीके से रह रहा है। सो फाइनली ये सर्टिफाइड आई न्यूट्रिशन आप इसको कह लें। अब किसके लिए है इसकी बात करते हैं, हुम इट इज फॉर, ये किन के लिए है। तो उनके लिए है जो गेमर हैं, गेमिंग करते हैं, पहला वाला बंदा। जो दूसरा बंदा है वो मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करता है, 4 घंटे से ज्यादा, मतलब ज्यादा करता है, और आजकल हर मोबाइल पे स्क्रीन टाइम भी आता है, आपको स्क्रीन टाइम बताता है फोन कि आपका स्क्रीन टाइम बढ़ गया कि घट गया। इसके अलावा कंप्यूटर यूज करने वाले, लैपटॉप यूज करने वाले, और जो बुजुर्ग लोग हैं
जिनका एज रिलेटेड आई में डीजेनरेशन हो रहा है, उम्र के हिसाब से कुछ डीजेनरेशन हो रही है, उनके लिए बढ़िया। तो इन तरह के यूजर्स के लिए ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट की एमआरपी और प्राइस समझ लेते हैं। इस प्रोडक्ट का एमआरपी जो है वो है 1,299 रुपया, 1,299। और आपके लिए विशेष प्राइस जो है, जो नेक्स्ट मनी को एक स्पेशल प्राइस है, वो प्राइस है 699 ओनली। 1,299 एमआरपी है और 699 रुपये में ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। और 47% इस पे होपिंग डिस्काउंट है सिर्फ आपके लिए। तो ये हुआ, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, ये सारे सर्टिफिकेशंस आपको प्रोडक्ट पे मिलेंगे। नेक्स्ट शॉपी में प्रोडक्ट